कोरोना के संकट की घड़ी में इंदौर शहर के विभिन्न शमशान घाट पर सेवा कर्मियों द्वारा बिना किसी भय के जान हथेली पर लेकर मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले सेवादारों का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सम्मान कर उनके चरण धो रहा है। जी हां, अपनी जान हथेली पर लेकर भय के समय में मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले सेवा कर्मियों का हिंदू संगठन द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन इंदौर के मालवा मिल शमशान घाट पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने सेवा करने वाले लोगों के चरण धोए और उन्हें भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान करते हुए उन्हें कपड़े भी भेंट किए। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इंदौर विभाग द्वारा आज जो कार्य किया गया कि पिछले विगत 2 माह से जो इतनी महामारी का जो दौर चल रहा था, इसमें कई अपने और पराये जो है अपने भीड़ से चले गए और उनकी अंत्येष्टि करने के लिए ना अपन जा पाए ना समाजजन वाले कोई आ पाए। इस बीच पूरा ये कार्य जो है कि शमशान में रहने वाले कर्मचारी इन्होंने किया और इन्होंने जो मानवता का परिचय दिया है आज उसी का जो आभार इनके प्रति हम प्रकट करने आए हैं और आज इनका स्वागत करके हमने इनका आभार प्रकट करा। कितने शमशान घाटों पर अभी तक पहुँच आप जा चुके हैं और कितने लोगों की सेवा कर चुके हैं? इस तरह से 5 शमशान घाटों पर जाके हमने ये कार्य किया है। आपका परिचय? सुनील वाघमोड़े, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जिला मंत्री, जिला। जैसा कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का एक भयानक दौर चल रहा है, उससे हमारा इंदौर शहर भी अछूता नहीं रहा, भारत देश भी अछूता नहीं रहा है और परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो गई कि अपने परिजन जिन जो दिवंगत हो गए वे लोग भी शमशान तक आ नहीं पा रहे थे। कुछ पूरा परिवार पॉजिटिव था, किसी के परिवार में 2-3 मेंबर ही थे और सब बीमार थे या सभी का निधन हो गया, एकाधी बचा कोई। ऐसी स्थिति में शमशान पे इतना भय था समाज में, उस परिस्थिति में यहाँ के कर्मचारी जो नित सेवा दे रहे हैं, रात में भी कोई वाडी आ रही, दिन में आ रही पॉजिटिव वाडी, उसको विधिवत हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। किसी प्रकार के उनकी इस अंतिम क्रिया में कोई खामी न रहे, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल के सेवा कर रहे थे। ऐसा अद्वितीय कार्य यहाँ के शमशान पे जो सेवा कर रहे हैं कर्मचारी ने किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनका कृतज्ञ है और इसलिए उनके चरण पखार कर और अंग वस्त्र भेंट कर भगवा दुपट्टा डालकर उनका सम्मान कर रहा है और ईश्वर से कामना भी करता है कि वे लोग स्वस्थ रहे और समाज में जब भी कोई संकट आए तो वो अपनी सेवाएं देते रहे। इस हेतु विश्व हिंदू परिषद ने यह अभियान चलाया है और इंदौर के समस्त शमशान पर जाकर सारे सेवा कर्मियों का हम पैर पखार के उनके पैर धोकर और उनको वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करने निकले हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ मालवा मिल शमशान पर आए। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि आप तो सिंह का सम्मान कर रहे हैं और अन्य लोग भी हैं, समाज के अन्य लोग भी हैं, उनको लेकर आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? कुल मिला के स्थिति ये है कि डॉक्टरों का सम्मान हो रहा है, सुरक्षा कर्मियों का सम्मान हो रहा है, पर ये लोग समाज से थोड़े अछूते रह जाते हैं। जिस प्रकार का ये सेवा कार्य कर रहे हैं आदमी इसको अछूत से ऐसा मानने लगता, बाकी इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। हमारे 16 संस्कार होंगे, उसमें से अंतिम संस्कार रहता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है और वह संस्कार अगर पूर्ण नहीं हो तो आत्मा भटकती है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है। तो यह जो कार्य वो कर रहे हैं जिससे कि हमारा ये लोक नहीं परलोक भी सुधर रहा है, तो ईसा आदित्य कार्य करने वाले कभी तुच्छ नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से राम के चरण पखारे गए थे केवड़ द्वारा, उसी तरीके हमारे लिए ये हिंदू समाज के राम है और हम छोटे से सेवक है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग, पूरा हिंदू समाज की तरफ से हम उनके पैर पखार कर उनका साधुवाद करने निकले हैं। आपका परिचय भाई साहब? राजेश बिंजवे, इंदौर विभाग सहमंत्री, विश्व हिंदू परिषद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।